So we are finally reached this hotel. Awesome beauty. सुशांक तो गाड़ी चला चला के थक गया 250-300 किलोमीटर। जस्ट चेक इन द होटल और हम रूम पे आ गए हैं एंड नाउ आई गिव यू द रूम टूर। सो ये रहा अपना सामान वामान जो आया है एंड दिस इज द बाथरूम, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे ये ड्रॉस भी हैं, कैसे खुलते हैं? हाँ खुले। तो ऊपर कुछ तकिया वकिया है, यहाँ पे अपने कपड़े लगा लो। दिस इज लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग, ओके। एंड एक सेफ भी है विच आई डोंट नीड। लेट्स सी कैसे होता है। टू क्लोज एंटर 4-डिजिट कोड, होल्ड द डोर क्लोज बटन। अच्छा, सबसे सेफ एंड सिक्योर पासवर्ड है। ओह, इट्स क्लोज्ड। सबसे सेफ एंड सिक्योर पासवर्ड डाला था जो कि पुराने जमाने में मम्मी पापा अपने मोबाइल पे लगाते थे, वो नोकिया वाला आता था ना छोटा वाला, ताकि भूल ना जाए। विच इज 1 2 3 4। नाइस, गुड। दिस इज द एंट्री। ये रहा प्रियांशु, मस्त लेटा है, कुछ मैच वैच देखता है। और ये है होटल के बेड, जिसके लिए होटल सबसे ज्यादा मशहूर होता है अपने बेड के लिए। सारे पैसे तो इसी में देने होते हैं। इतना मुलायम बेड कहाँ मिलता है, किसी घर में नहीं होता। होटल में पता नहीं कहाँ से लाते हैं। प्रियांशु, ये रूम कितने का था? ये पड़ा हमको 6,000, 7,000 का। 7,000, नाइस। मतलब इस रेट में, आई थिंक कोविड की वजह से रेट्स डाउन है। एक्सपेंसिव होता है, 10,000 प्लस ही जाता है। नाइस, सो वी आर वेरी लकी। बढ़िया यार, एक रात बिताने का मौका है। 7,000 खर्च किए हैं, तो शाम का मिला लो तो हो गया मतलब तेरा 14,000। गुड। एंड यस, ये छोटा सा रूम है अपना। इधर एक स्टडी टेबल, इधर सिटिंग टाइप एरिया, आई मीन ठीक है। लैम्प्स वगैरह काफ़ी लगे हैं, लाइटनिंग बहुत अच्छी है। मैं तो यहाँ पे अपना यूट्यूब स्टूडियो लगा सकता हूँ। और ये है खिड़की के बाहर का नज़ारा, सामने से जयपुर मेट्रो जा रही है। दीज आर अदर रूम्स होटल के। बालकनी आई डोंट थिंक खुलती है। ओके कूल। अपना जो वाईफाई होता है ये है। स्टडी टेबल बढ़िया यार, पर खैर हम पढ़ने लिखने के लिए नहीं आए हैं। और इसके अंदर है एक छोटा सा फ्रिज। यू, पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं। आई मीन हर रूम में, मैं अभी तुशांक के रूम में होके आया एंड वहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स थी, अलग टाइप की। दीज आर डिफरेंट पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर अच्छा है। तो नाउ लेट मी शो यू द बाथरूम ऑल्सो। सो दिस इज द बाथरूम, ठीक है। आई मीन जैसा रेगुलर सा होता है, आई मीन जो भी फाइव स्टार होटल में मिलेगा एक होटल में, वो सब यहाँ पे। एंड दिस वन मोर थिंग, यहाँ कमोड के बगल में वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन के बटन्स लगे हैं टीवी के। देखता हूँ, ये देखो टीवी ऑडियो। सो मीन्स वहाँ कोई बैठे बैठे इस टीवी की वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता है। आई मीन स्ट्रेंज फीचर बट गुड, फोन वगैरह सब बढ़िया। और ये रहा बाथटब, जिसमें मैंने पानी भर दिया है। एंड ये बाथरूम के बाहर एक बड़ा सा शीशा। हाँ, पूरा का पूरा मैं दिख रहा हूँ। ये तुशांक का रूम, स्मोकिंग रूम। शांक स्मोकिंग रूम लिए हैं, देखो शक्ल देखो, मैच कर रहा है स्मोकिंग रूम। ऐसा क्या है इस रूम में, हाँ स्पेशल क्या है? है अच्छा, नहीं लेकिन इस रूम में एक चीज है, नहीं नहीं इसमें स्मोक की महक आ रही है, सिगरेट वाले स्मोक की। मुझे तो नहीं आ रही, मुझे आ रही है। तुम मेरे रूम में चल के देखो, नॉन स्मोकिंग रूम है, मतलब ये नशेड़ियों के लिए ही रूम बनाया गया। अच्छा है, मेरा बहुत मन कर रहा है बाथ टब में नहाने का। मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी नहाऊंगा। 6,000 रुपए वसूल लेगा। ये सही भाई, होटल के जितना मुलायम गद्दा कहीं नहीं मिलता। पटकी दे इसमें, पटकना चाह रहे हो? अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यू। अच्छा चलो ठीक है।
क्या झुको झुकोगे तभी तो उठा ही नहीं पा रहे तुम बेचारे मोबाइल खुद चार्ज कर रहा है लगा दिया है फॉर दिस ब्यूटिफुल ट्रिप एंड फॉर लाइक इतना शानो शौकत वाला होटल के लिए आई वुड लाइक टू थैंक माई स्पॉन्सर तुषांत गुप्ता. सो इन्होंने पूरी ट्रिप स्पॉन्सर किया है, मेरा आने जाने रहने का खर्च, यू नो कार का पेट्रोल जो भी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. तो आपकी दुकान का नाम क्या है? कानपुर वाली तुषांत जी. अभी इसके बाद जस्ट जाके नहाना वहाना है, नहा वहा के हम निकलेंगे कानपुर में खाना खाने. भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खाया नहीं सुबह से. कल निकलेंगे आमेर फोर्ट के लिए एंड शाम को फिर हम लीव करेंगे गुड़गांव के लिए. सो दैट्स द प्लान. दो दिन है, एक रात इन दिस होटल, लेट्स एंजॉय. सो फाइनली बाथिंग डन और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था पार्ट टाइम में नहाने का. सो इसके बाद जस्ट खाना खाएंगे एंड देन लेट्स सी क्या तुषांत क्या कर रहा है. वो भी नहाने गया था, काफ़ी देर हो गई उसको भी, अभी तक आया नहीं रूम पे. आज पियेंगे मसाला चाय. यार पता नहीं क्यों पर चाय अच्छी बनी है उससे. सो कड़क चाय बनाने के लिए दो चाय पत्तियां डाली हैं. यार ये पता नहीं, ये वाली टी बैग वाली चाय अच्छी नहीं होती. मसाला चाय ढाबे वाली, घर वाली बेस्ट. This is concave mirror. डर नहीं लग रहा है इसे देख के. पता नहीं कैमरे में क्या दिख रहा है बट मुझे तो काफी बड़ा दाढ़ी के सारे बाल दिख रहे हैं, मूंछ के सारे बाल. मुझे भी. मुझे एक एक ब्लैक हेड गॉन के मुझे डर लग रहा है अपने आप को देख के. बढ़िया है डर. अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो लेके जा रहे हो? नहीं. लेके जा रहे हो?